हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा आर्टशाला में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं एक पैटर्न बनाकर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये हम लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, गर्ल्स फ्रॉक में, गर्ल्स टॉप में इसे हम डाल सकते हैं। और मैंने ये पत्ती के डिजाइन बनाया, पत्ती वाला डिजाइन। आइए फ्रेंड्स, इसे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये पैटर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पैटर्न बताऊंगी। हाफ डिब्बी इधर और हाफ डिब्बी इधर, क्योंकि इससे आगे जैसे हम यहाँ पर डालेंगे ऐसे ही हम रिपीट करते हुए आगे जाएंगे। तो देखिए, पहले मैंने दो फंदे स्टार्टिंग के मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं, फिर दो फंदे ये हैं, फिर दो फंदे उल्टे, फिर 11 फंदे हमारे इस डिब्बी में, फिर दो फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे इस डिब्बी में, फिर दो फंदे, फिर मतलब ये आगे हम दो फंदे फिर लेंगे। वैसे तो हमारे ये 11 फंदे डालेंगे इस डिब्बी के, जैसे यहाँ पर बनाई है, लेकिन मैं आपको इतना ही बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ लास्ट में हाफ डिब्बी बनाई है और स्टार्टिंग में भी हाफ डिब्बी बनाई है, इसलिए मैं यहाँ तक का आपको ये पैटर्न बताऊंगी। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स देखें, मैंने ये 28 फंदे मैंने इसमें ये डाले हैं। दो दो फंदे मैंने दोनों साइड में एक्स्ट्रा लिए हैं, 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, दो इधर और दो इधर, दोनों साइड में दो दो फंदे। बीच का पैटर्न बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने देखिए इसमें ये 24 फंदे डाले हैं। और फंदे डालने के बाद मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी इसमें मैंने अपनी ये निकाल ली हैं। अब हम इसमें अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ऊपर पैटर्न के लिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टे बनाएंगे। मैंने इसमें दो फंदे लिए हैं, आप एक फंदा भी ले सकते हैं, ज़्यादा फंदे भी ले सकते हैं। दो फंदे हमने स्टार्टिंग के उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारी एक ये जाली बन गई है। अब हम आगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे। अब हम यहाँ पर जो हमारे 11 फंदे हैं, 11 फंदों में से 4 फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो तीन और एक ये चार। देखिए, 4 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर अब यहाँ पर हम 3 फंदों का एक करेंगे। 3 फंदे के लिए फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम जो 3 फंदे लेंगे, दो फंदों को हम ऐसे सिलाई में उतार लेंगे। पहला फंदा हम पीछे डालेंगे और जो हमारे ये बीच वाला फंदा है इसे हम आगे की साइड इस तरीके से पलटते हुए डाल देंगे, इस तरीके से। अब हम 3 फंदों का एक करेंगे। देखिए, 3 फंदे लिए, 3 फंदों को पीछे की साइड से 3 फंदों का हम एक कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पर ये फली बन जाएगी। फिर हम दोबारा से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन और एक ये चार। 4 फंदे हमने सीधे यहाँ बुने, 3 फंदों का एक किया, 4 फंदे सीधे यहाँ पर बुने, हमारे ये 11 फंदे हो गए हैं। फिर आगे धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। और जो हमारे 3 फंदे हैं इसमें से हमने एक फंदा सीधा बुना, जो बीच का फंदा है इस पर हम धागा आगे करते हुए एक जाली बना देंगे। फिर दोबारा से आगे धागा करेंगे, एक जाली बनाएंगे और एक फंदा और सीधा बुन लेंगे। बीच वाले फंदे पर हमारी दोनों साइड एक एक जाली डल गई है। फिर आगे धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। जैसे हमने देखी यहाँ पर ये अपनी जाली डाली थी, एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे करा, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक जाली डाल देंगे। लास्ट के दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, उल्टे बुनेंगे। ये हमने स्टार्टिंग की तरह जैसे किया है ऐसे ही लास्ट में किया है। आप इससे आगे जैसे मैंने ये 3 फंदों यहाँ पर जाली डाली है, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर इससे आगे आप ये 11 फंदों वाला पैटर्न डालना, 4 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक, फिर 4 फंदे सीधे। इसी तरीके से हम अपने पैटर्न आगे रिपीट करते हुए बनाएंगे। जितने भी फंदे हम अपने स्वेटर में डालेंगे उसी हिसाब से। और उल्टी सिलाई फ्रेंड्स इसमें हम देखिए, जो हमने ये स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बनाए हैं इन्हें हम उल्टा ही बना देंगे, और जो हमारी ये 3 फंदे हैं इनको भी हम उल्टा ही बुनेंगे। और जो 2 फंदे हमने इधर से ये उल्टे बुने थे इन्हें हम इधर से सीधा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे ये 5 फंदे बन गए हैं, एक जाली वाला भी और ये बीच का, 3 फिर जाली और फिर ये 5 फंदे हमने ये उल्टे बनाए, धागा पीछे, 2 फंदे इधर से जो उल्टे बनाए थे इधर से सीधे, फिर धागा आगे। अब हमारे ये यहाँ पर 9 फंदे हैं, 4 ये, 4 इधर सीधे, 4 इधर सीधे, एक फंदा बीच का, इन्हें हम उल्टा बना देंगे।
जो हमने दो दो फंदे बीच में उल्टे बनाए हैं वो हमारी उल्टी साइड से हर बार सीधे ही बनेंगे, बाकी हमारे सारे फंदे उल्टे बनते हुए जाएंगे। उल्टी सिलाई में उल्टे उल्टे बनाएंगे। देखिए दो फंदे सीधे बनाए, फिर हमने ये नौ फंदे अपने उल्टे बना लिए। धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, हमारे ये तीन फंदे उल्टे और फिर लास्ट के दो फंदे भी उल्टे। अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं और सीधी तरफ से फिर हम ऐसे ही अपने दो फंदे उल्टे बनाएंगे। स्टार्टिंग के धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पर हम दोबारा से अपनी एक जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और एक दो दो फंदे सीधे बुन लेंगे। एक जाली बनाई, दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। पिछली बार हमने ये चार फंदे बुने थे, अब हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, दो और एक, ये तीन, तीन फंदे सीधे बुने। अब जो हमारे बीच का फंदा, अब यहाँ पर हम दोनों साइड से एक एक फंदा लेते हुए तीन फंदों का एक करेंगे। उसी तरीके से दो फंदे हम उतारेंगे, पहला फंदा पहले हम सिलाई में डाल देंगे और जो हमारा बीच वाला फंदा है इसे हम इस तरीके से बनाएंगे और तीन फंदों का एक कर देंगे। देखिए तीन फंदों का एक किया, धागा पीछे ही रखेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो और एक, ये तीन, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा और जो हमारा ये जाली वाला फंदा है इसे भी हम इधर की साइड सीधा ही बुन लेंगे। दो फंदे सीधे हो गए यहाँ पर हमारे, फिर आगे धागा करेंगे, जो हमारा ये बीच वाला फंदा है इस पर अब हम हर बार दोनों साइड से जाली डाल लेंगे। एक जाली डल गई, फिर इधर से जाली और दो फंदे सीधे, फिर हम आगे धागा करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, एक और एक, ये दो, दो फंदे इधर से हमने सीधे बुन लिए, धागा आगे करेंगे और इस फंदे पर हम एक जाली बना देंगे, फिर लास्ट के दो फंदे हमारे ये उल्टे ही बनेंगे। अब हम अपने उल्टी तरफ की सिलाई निकाल लेंगे। जो दो दो फंदे देखिए हमारे ये हैं इनको हम इधर से सीधा बुनेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी साइड से अपनी सिलाई निकाल ली है, अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से फिर हम पहले अपने दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, यहाँ पर एक जाली बनाएंगे और आगे के तीन फंदे सीधे बुन लेंगे, एक दो और एक, ये तीन, देखिए ये जाली बनाई, तीन फंदे सीधे बुने, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, हमने ये तीन फंदे बुने थे अब दो फंदे बुनेंगे, एक और एक, ये दो, दो फंदे बुने। अब यहाँ पर हम तीन फंदों का एक करेंगे, फिर से दो फंदे लेंगे, पहला फंदा अपना सिलाई में डाल देंगे और इस फंदे को हम ऐसे आगे की साइड डाल देंगे, बीच वाले फंदे को, देखिए जो हमारी ये फली बनती हुई आ रही है इसे, फिर यहाँ से हम तीन फंदे लेंगे पीछे की साइड से, तीन फंदों का एक कर देंगे, फिर धागा पीछे ही रखेंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक दो और तीन, तीन फंदे हमारे हो गए यहाँ पर सीधे। अब हम आगे धागा करेंगे, इस फंदे पर जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे, एक जाली और तीन फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर आगे धागा करके इस वाले फंदे पर एक जाली बना देंगे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे। देखिए हमारी ये सिलाई भी बन गई है, जैसे हम आधी डिब्बी यहाँ पर बना रहे हैं ऐसे ही हम यहाँ पर बना रहे हैं। स्वेटर में हम जब लास्ट के स्टार्टिंग के और लास्ट में हम ऐसे ही अपनी डिब्बी बनाएंगे, बीच में हम अपनी ये रिपीट करते हुए जाएंगे। अब हम इसकी अपनी उल्टी सिलाई निकाल लेते हैं, जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उल्टी सिलाई हमने निकाल ली है। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं, सीधी साइड से फिर हम दोबारा से अपने ये दो फंदे स्टार्टिंग के उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक जाली डाल लेंगे और चार फंदे हमारे ये सीधे बन जाएंगे, एक दो तीन और एक, ये चार, चार फंदे बन गए, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ पर हमारे दो फंदे सीधे हैं, इसमें से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा ये और एक फंदा ये लेंगे, तीन फंदों का एक करेंगे। उसी तरीके से दो फंदे उतारे, पहला फंदा पहले हम इसी सिलाई में डाल लेंगे, बीच वाले को फिर इसके आगे डाल देंगे और तीन फंदे लेंगे, तीन फंदों को पीछे की साइड से हम ऐसे एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे,
धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे धागा पीछे। अब इधर से हमारे एक दो तीन और एक ये चार, चार फंदे देखिए हमारे सीधे हो गए। फिर आगे धागा करेंगे, एक जाली डालेंगे, फिर धागा आगे, एक जाली और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे बुने जैसे हमने ये बुने थे। अब यहाँ पर हम जाली डालेंगे, एक जाली डाली और एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे। अब हम अपनी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे, सीधे फंदे पर सीधा, ये दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे, दो फंदे सीधे, बाकी के सारे उल्टे उल्टे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। अब जो फंदे हमारे यहाँ से हमने ये कटाए हैं, ये फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं और यहाँ पर बढ़े हैं दोनों साइड में। अब हमारी ये वाली डिब्बी हम यहाँ पर बनाएंगे इस डिब्बी को पूरा करने के लिए, और ये डिब्बी हम यहाँ पर बनाएंगे ऐसे ही। अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम दो फंदे अपने ये उल्टे ही बना लेंगे स्टार्टिंग के, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर हम दो फंदों का एक करेंगे, इस वाले फंदे को जो हमारा ये फली वाला फंदा है, इस फंदे को हम इस तरीके से पलट लेंगे, दो फंदे लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे। अब इससे आगे हमारे एक दो तीन और एक ये चार, चार फंदे हमने सीधे बुने। फिर हम धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये तीन फंदे हैं, यहाँ से ऐसे इधर से भी और इधर से भी घटाते हुए हमारे यहाँ पर एक फंदा इधर बचा है, एक इधर और एक हमारा ये फली वाला। अब इसमें से हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे और जो हमारे बीच का फंदा है इस पर हम दोनों साइड से जाली डालेंगे, एक जाली डली और एक जाली और एक फंदा सीधा, जैसे हमने यहाँ पर अपनी ये जाली बनाई थी इसी तरीके से हमने यहाँ पर बनाई। यहाँ पर भी हमारे तीन फंदे लिए थे हमने स्टार्टिंग में, और यहाँ पर भी तीन फंदे हैं। अब हम धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पर हम जो हमारे ये फंदे हैं, ये हमारे यहाँ पर 11 फंदे थे, तो यहाँ पर भी हमारे ये 11 फंदे हैं। अब इसमें से हम चार फंदे पहले सीधे बुनेंगे, एक दो तीन और एक ये चार, चार फंदे सीधे बुने। अब इन तीन फंदों पर हम जैसे हमने ये अपनी फली बनाई थी ऐसे हम यहाँ पर बनाएंगे, दो फंदे पहले उतारेंगे, पहला फंदा हम उसी सिलाई में वापस डाल देंगे, बीच वाले फंदे को आगे लेकर आएंगे और तीन फंदे लेंगे, तीन फंदों का एक कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। फिर चार फंदे अपने सीधे बुन लेंगे, दो तीन और एक ये चार, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे धागा पीछे। अब इधर से चार फंदे, एक दो तीन और एक ये चार, चार फंदे लिए। अब इस वाले फंदे पर भी हम दो फंदे देखिए इस तरीके से लेंगे और दो फंदों का एक कर देंगे, धागा आगे, लास्ट के दो फंदे उल्टे। अब हम अपनी इसमें उल्टी सिलाई निकाल लेंगे, सीधे फंदे ये जो हमारे ये सीधे ही बनेंगे, बाकी के सारे हमारे उल्टे उल्टे फंदे बनेंगे। उल्टी सिलाई हमने निकाल ली है, अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से फिर हम स्टार्टिंग के अपने दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर हम दोबारा से दो फंदों का एक करेंगे, इस वाले फंदे को ऐसे पलट लेंगे, दो फंदे लेंगे और दो फंदे को पीछे की साइड से एक कर देंगे। अब तीन फंदे सीधे बुनेंगे, तीन तीन फंदे सीधे बुने, धागा आगे, दो फंदे उल्टे धागा पीछे। अब यहाँ पर हम दोबारा से अपने दो फंदे सीधे बुन लेंगे पहले, और बीच वाले फंदे पर जाली डालेंगे, आगे धागा गया, एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक जाली और दो फंदे सीधे, दोनों साइड हमारे एक एक जाली डल गई है। अब आगे धागा, दो फंदे उल्टे धागा पीछे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बुने। अब यहाँ पर तीन फंदों का एक करेंगे, दो फंदे हमने इस सिलाई में तार लिए, पहला फंदा दोबारा से इसी सिलाई में डाल देंगे, बीच वाले फंदे को हम इस तरीके से आगे डालेंगे, तीन फंदे लेंगे, तीन फंदों का पीछे की साइड से एक कर देंगे। ये वाली फली हमारी यहाँ पर बनती हुई जा रही है। अब हम तीन फंदे सीधे, फिर धागा आगे, दो फंदे उल्टे धागा पीछे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, दो फंदों का एक, धागा आगे, दो फंदे उल्टे। फिर हम अपनी उल्टी तरफ की सिलाई निकाल लेंगे।
अब हम सीधी साइड आ गए हैं उल्टी सिलाई निकाल कर। फिर हम दोबारा से दो फंदे अपने उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर हम इस वाले फंदे को फिर पलटेंगे और दो फंदों का एक करेंगे। फिर हमारे दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे हमारे ये बीच के उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ पर हमारे एक दो और एक ये तीन, तीन फंदे हो गए हैं। धागा आगे एक फंदे की जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे जाली और ये तीन फंदे हमारे सीधे, धागा आगे फिर दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ पर एक और एक ये दो, दो फंदे सीधे, तीन फंदों का एक करेंगे। दो फंदे उतारे, पहला फंदा उसमें ही डाला और बीच वाला फंदा भी आगे डाल दिया। फिर दोबारा से ऐसे ही तीन फंदे लेंगे और तीन फंदों का एक कर देंगे। फिर दो फंदे उल्टे सीधे और दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे एक और एक दो, दो फंदे सीधे, दो फंदों का एक, धागा आगे, लास्ट के दो फंदे उल्टे। अब हम इसकी उल्टी तरफ की सिलाई निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से फिर हम पहले अपने दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, धागा ये वाला फंदा हम ऐसे पलट लेंगे और दो फंदों का एक करेंगे। एक फंदा हमारा बचा है, इसे हम सीधा बना लेंगे। धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब एक दो तीन और एक ये चार, चार फंदे हो गए। धागा आगे एक जाली और एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे एक जाली और चार फंदे सीधे, चार फंदे सीधे बनाए, धागा आगे दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, तीन फंदों का एक, दो फंदे उतारेंगे, पहला फंदा पहले उसी सिलाई में डाल देंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे पलट कर डाल देंगे। तीन फंदे लेंगे, तीन फंदों का एक कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे दो फंदे उल्टे, धागा पीछे एक फंदा सीधा, दो फंदों के उल्टा और लास्ट के दो फंदे हमारे ये उल्टे। अब हम इसकी उल्टी तरफ की सिलाई निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये डिब्बी पूरी बन गई है। यहाँ पर हमने पहले आधी डिब्बी स्टार्ट की थी, आधी इसके ऊपर बन गई है ये वाली डिब्बी। अभी इसके ऊपर हम जैसे हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट बनाया, यहाँ पर ये वाला पार्ट बनाएंगे और ये वाला पार्ट हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे हमने इसकी पहली सिलाई निकाल ली थी अपने पैटर्न की, वैसे अब हमारी ये पहली सिलाई यहाँ पर पैटर्न की निकलेगी। उसी तरीके से दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, एक फंदा सीधा। जैसे हमने सेम पहली सिलाई निकाली थी, वैसे हमारा पैटर्न ऊपर ये अब स्टार्ट होता हुआ आएगा। और बनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पैटर्न इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनता हुआ जाता है। पहले हमने देखिए ये डिब्बी यहाँ पर बनाई, फिर यहाँ पर डिब्बी पूरी की, फिर ये डिब्बी हमने यहाँ पर बनाई, फिर हमने यहाँ पर बनाई। इसी तरीके से हमने ये डिब्बी अपनी इसमें चेंज करते हुए ये पैटर्न अपना बनाया है। आप इसी तरीके से इस पैटर्न को बनाइए। हमारे ये 11 फंदे हैं, ये 11 फंदे हैं, ये भी 11 फंदे हैं। स्टार्ट लास्ट में भी हमारे यहाँ पर ये दो फंदे हैं, हाफ डिब्बी इधर है, हाफ डिब्बी इधर है। इसी तरीके से ये पैटर्न हमारा, जितने भी फंदे आप डालेंगे उसी तरीके से आप अपना ये पैटर्न सेट कीजिएगा। और बनने के बाद देखिए, ये पैटर्न हमारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जैसा हमारा इसमें ये दिखाई दे रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।